नमस्कार दोस्तों, अभी अमेज़न प्राइम पे एक फिल्म रिलीज़ हुई है, ए वतन मेरे वतन, जिसकी स्टार कास्टिंग है सारा अली खान। यह फिल्म एक बायोपिक है जो कि उषा मेहता जी के ऊपर बनी गई है। अगर उषा मेहता जी को आप नहीं जानते हो तो इनका जन्म सूरत के एक छोटे से गांव में हुआ था। जैसे महात्मा गांधी हैं, भगत सिंह हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इनकी विचारधाराओं पर चलते हुए उषा मेहता जी ने, जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, जब हमारे भारतीय नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, तो उसी टाइम पे उषा मेहता जी ने गोपनीय तरीके से कांग्रेस रेडियो की स्थापना की थी। एंड इसको गोपनीय तरीके से चलाते थे ये लोग। ब्रिटिश सरकार को जब पता चल गया इसके बारे में तो यह अपने ठिकाने प्रत्येक दिन चेंज करते रहते थे। और रेडियो केवल 3 महीने तक चला था, उसके बाद उषा मेहता जी को और उसके साथियों को जेल में बंद कर दिया गया था। उषा मेहता जी को 1998 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ए वतन मेरे वतन, यह फिल्म उषा मेहता जी की बायोपिक को दर्शाती है जो कि 1942 के एरा में चलती रहती है। अगर इसकी हम बात करें सेट डिज़ाइनिंग को लेके, तो सेट डिज़ाइन काफ़ी अच्छा किया गया, चाहे इक्विपमेंट्स हों, चाहे रेडियो हो, चाहे कार हो या बैकग्राउंड हो, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग का पता चलता है कि इन्होंने डीपली काम किया इस चीज़ पे। अगर हम बात करें सारा अली खान की, तो इन्होंने केदारनाथ जैसी मूवी से डेब्यू किया था, उसके बाद इन्होंने सिम्बा बनाई थी, देन उसके बाद उन्होंने लव आजकल 2 में भी काम किया था, इन्होंने अतरंगी रे, जरा अटके जरा बचके, जिन्होंने इनकी लास्ट मूवी थी उनमें उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, हालांकि काफ़ी एक्टिंग अच्छी भी की है। उषा मेहता जी का जो कैरेक्टर निभा रही हैं इस फिल्म में, उन्होंने उतना इम्पैक्टफुल नहीं दिखा पाए अपने कैरेक्टर को लेकर। खासकर एक्टिंग तो अच्छी की है, बट कहीं से वो पेट्रियाटिक फील नहीं हो रहा है अगर देखा जाए तो, चाहे गाने हों, चाहे उसके सीन हों या मार धाड़ वाले सीन हों। और जैसे अगर हम सरदार उधम सिंह की अगर बात करेंगे, तो उसमें जो सीन था लास्ट के जो 1 आवर्स थे, उसमें कहीं ना कहीं इमोशंस थे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तरीके से दिखाया गया था, इसमें वो कहीं फील नहीं हुआ। अगर हम बात करें इमरान हाशमी की, तो इसमें उनका मेन गेस्ट अपेयरेंस के तौर पर इनका रोल है जो कि काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा है इस फिल्म में। अगर हम बात करें स्पर्श श्रीवास्तव की, तो इसमें इनको हम हाल ही में लापता लेडीज़ में देख चुके हैं, जो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी भी थी और फिल्म भी अच्छी थी। हालांकि इसके अलावा इसमें सचिन केडकर, अभय वर्मा, प्रतीक यादव एंड आनंद तिवारी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके राइटर की, तो दारू फरूकी इसके राइटर हैं, जिन्होंने 1.5 इश्किया, नोटबुक, विक्ट्री जैसी फिल्मों को राइट कर चुके हैं। अगर हम बात करें इसके डायरेक्टर की, तो इनकी एक थी डायन जो 2013 में रिलीज़ हुई थी, वो काफ़ी अच्छी फिल्म थी। देन उसके बाद अभी इनकी जो लेटेस्ट मूवी आई है वो ए वतन मेरे वतन है। अगर हम बात करें मूवी की, तो यह 1 टाइम वॉच मूवी है जिसको आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।